इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही गर्मी से आम जनमानस परेशान है। शहर में गर्मी से निजात पाने के लिए कुमाऊं पहुंच रहे पर्यटकों का कहना है कि यहां के तापमान को देखते हुए अनुमान नहीं लगाया था कि यहां भी गर्मी इस कदर पसीने छुड़ा देगी। यहां के बड़े तापमान ने गर्मियों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया। वहीं लोगों को अब वृक्षारोपण की याद आने लगी है। लोग गर्मी से निजात पाने को देशी नुस्खों के साथ शीतल पेय पदार्थों से अपना हलक ठंडा कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुमाऊं मंडल ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें गर्मी के बहुत कम कांधे थे। वह क्या कहते हैं, सूरत जो पहले आज से 50 साल जो गर्मी थी वही अभी गर्मी अभी भी है सूरत में। लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं इनका बचाव करना होगा। हर व्यक्ति को हर महीने एक एक पेड़ या दो दो पेड़ लगाने होंगे, तभी ये कुमाऊं मंडल एक ठंड मौसम होगा। तापमान बढ़ रहा है, कहीं भी पेड़ों हम छाया पर रुक सकते हैं। मिनट मिनट में पानी चाहिए, उसने कहा ठंडा चाहिए। कहीं भी घर से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है भैया यहाँ को। हल्द्वानी में तो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा ठंडी मौसम होगा यहाँ पे, तो एटलीस्ट जरूरत नहीं होगी हमें किसी भी चीज की, एसी की। बट एसी इज मस्ट हियर। एंड अभी द्वारहाट जा रहे हैं, पीपल आर टेलिंग दैट वहाँ पे थोड़ा ठंडा होगा, सो वी आर रियली ओके कि वहाँ पे ठंडा होगा कि नहीं। बट यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है। आपका 67 ईयर्स इतना टेम्परेचर गया है।